hello students students today we will discuss the new syllabus of social science of the year 2021 20 so let's be discuss the new revised curriculum of the social science students let's be discuss class 10th course structure now first we discuss about the history स्टूडेंट्स आपको पता ही है कि आपके हिस्ट्री में इस बार कुछ सिलेबस को कट किया गया है जिनमें से अगर आप देखिए स्टूडेंट्स तो केवल आपके सिलेबस में इस बार चार चैप्टर को शामिल किया गया है उनमें से अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो ये आपके जो दो चैप्टर मेन हैं मीन्स फर्स्ट चैप्टर आपका हुआ स्टूडेंट्स द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप एंड सेकेंड चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया स्टूडेंट्स यही दो चैप्टर ही बोर्ड में इस बार पूछे जाएंगे और कोई चैप्टर इस बार बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा ये बात हंड्रेड परसेंट क्लियर है ठीक है ना क्योंकि सी बी एस ई ने इस चीज़ को जारी किया है तो अब आप कन्फ्यूज मत होइएगा किसी भी बात को लेकर के इतना ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट चैप्टर और सेकेंड चैप्टर यही दो चैप्टर ही आपके बोर्ड में आएंगे अगर हम बात करें बेटा दो चैप्टर और दिए गए हैं इनके साथ में ये जो दो चैप्टर हैं मीन द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड और नेक्स्ट है आपका द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये दोनों टेस्ट आपके केवल पीरियोडिक टेस्ट में आएंगे इधर ये लिखा गया है अगर आप देखिए एनी वन एनी वन थीम ऑफ द फॉलोइंग द थीम सेलेक्टेड शुड बी एसेस्ड इन द पीरियोडिक टेस्ट वनली यहाँ पर एक वर्ड लगाया गया वनली एंड विल नॉट बी एवेल्युएटेड इन द बोर्ड एग्जाम इट मीन्स अगर आप देखिए बेटा तो केवल चार चैप्टर दिए गए हैं शुरू के दो चैप्टर ही आपके बोर्ड में आएंगे और इधर के दो चैप्टर आपके बोर्ड में नहीं आएंगे में इस पीरियडिक टेस्ट में ही पूछे जाएंगे तो हम अपना टाइम इन दो चैप्टर पे ज़्यादा ना लगा करके हम अपना टाइम फोकस करेंगे किस पर बेटा बोर्ड के चैप्टर पर क्योंकि हमको उन्हीं पर ही वीडियो बनाना ही है आइए हम आप ध्यान देते हैं स्टूडेंट्स जोग्राफी के चैप्टर पर जियोग्राफी में अगर स्टूडेंट्स आप देखिए तो फर्स्ट चैप्टर आपका है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट ये आएगा बोर्ड में इसको आप टिक टिक लगा लीजिए अपनी बुक में उसके बाद जो बोर्ड में आने के जिसको बोर्ड ने सिलेक्ट किया था वो चैप्टर आपका था वाटर रिसोर्स बट ये बोर्ड में नहीं आएगा इतना ध्यान रखना यहाँ पर लिखा गया है थियोरिटिकल एस्पेक्ट ऑफ दिस चैप्टर विल नॉट बी असस्ड इन पीरियोडिक टेस्ट मीन्स ये पीरियोडिक टेस्ट में भी नहीं आएगा एंड बोर्ड एग्जामिनेशन ना तो ये पीरियोडिक टेस्ट में आएगा बेटा ना ही ये बोर्ड एग्जामिनेशन में आएगा तो आएगा क्या इसमें से क्यों इसको रखा गया है ओनली मैप आइटम्स इसमें से क्या आएगा बेटा केवल और केवल मैप आएगा और मैप में भी क्या पूछा जाएगा ये भी ध्यान रखिए आप मैप में अगर आप देखिए तो यहाँ पर लिखा गया है आइडेंटिफाइड डिफरेंट डैम्स इन द कंट्री क्या पूछा गया जो वाटर रिसोर्स में जो डैम्स दिखाए गए हैं हमारे देश में जितने भी डैम्स हैं केवल उनको ही इसमें ऐड किया गया है और किसी भी चीज़ को नहीं मेन सबसे बड़ी बात यह है कि इस चैप्टर से ना तो आपको कुछ पढ़ना है ना ही कुछ समझना है इसमें केवल और केवल आपको मैप वर्क वो भी रिलेटेड टू बेटा डैम डैम का आप देख लो बस सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर नेक्स्ट चैप्टर आपका स्टूडेंट्स है एग्रीकल्चर ये आपके बोर्ड में आएगा तो अभी तक आपके दो चैप्टर हुए बेटा जो बोर्ड में आ रहे हैं फर्स्ट चैप्टर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट इधर आपका फोर्थ चैप्टर एग्रीकल्चर नेक्स्ट चैप्टर आपका है मिनरल्स मिनरल्स भी इस बार बोर्ड में नहीं आएगा और ना ही ये पीरियोडिक टेस्ट में आएगा इधर लिखा गया है द थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ऑफ दिस चैप्टर विल नॉट बी असिस्ड इन पीरियोडिक टेस्ट एंड बोर्ड एग्जामिनेशन तो अब इसको फिर क्यों रखा गया है ओनली मैप आइटम्स यहाँ पर भी वही बात है यहाँ पर क्या है केवल मैप आइटम्स ही इसमें से पूछे जाएंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको मिनरल चैप्टर भी नहीं पढ़ना है केवल उसमें से जो मैप आइटम्स दिए गए हैं वही आपको ध्यान में रखना है अब चूँकि मिनरल्स है तो इसमें कोल है होगा पेट्रोलियम है आपके बहुत सारे ऐसे मिनरल्स हैं जो पाए जाते हैं अपने आयल्स हैं पेट्रोलियम्स हैं है ना बताया ना तो उन चीज़ों को हमको ध्यान में रखना है ठीक है ना अभी हम आगे बताएंगे मैप वर्क में क्या क्या शामिल है तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि इसमें से केवल और केवल क्या आएगा बेटा मैप वर्क ही आएगा चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट आपका है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इसको आप बुक में टिक लगा लीजिए ये लेसन आपका आएगा तो अभी तक आपके तीन लेसन हुए जिनको आपको प्रिपेयर करना है बोर्ड के लिए और दो लेसन ऐसे हैं जिनमें से आपको मैप वर्क आएगा ठीक है ना स्टूडेंट्स और ये लास्ट लेसन जो आपका है ये है बेटा आपका लाइफ लाइन्स ऑफ द नेशनल इकोनॉमी ठीक है ना ट्रांसपोर्ट है रोडवेज कम्युनिकेशन इंटरनेशनल ये तो इसमें से बेटा मेटवर्क भी आता है और इसमें से क्या आ रहा है ये चैप्टर आपके आ रहे हैं बोर्ड में तो अगर ओवरऑल देखा जाए स्टूडेंट्स तो चार चैप्टर आपके हुए फर्स्ट आप टिक लगा लीजिए लाइफ लाइन्स ऑफ द नेशनल इकोनॉमी जो आएगा आपके बोर्ड में नेक्स्ट आपका है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो बोर्ड में आ रहा है स्टूडेंट्स नेक्स्ट फिर आपका है एग्रीकल्चर थर्ड चैप्टर हो गया मीन स्कूल में तीन चैप्टर हो गए और लास्ट आपका है बेटा रिसोर्स एंड डेवलपमेंट ओके मीन्स कि ओनली फोर चैप्टर फ्रॉम द जियोग्राफी एंड टू चैप्टर फ्रॉम द हिस्ट्री साइड लेट्स बी डिस्कस अबाउट द सिविक्स स्टूडेंट्स डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स मीन्स सिविक्स में फर्स्ट चैप्टर आपका पावर शेयरिंग ये बोर्ड में आएगा फेडरलिज्म ये बोर्ड में आएगा पॉलिटिकल पार्टीज ये बोर्ड में आएगा आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी बस स्टूडेंट्स इनके अलावा कोई भी लेसन आपका बोर्ड में नहीं आएगा इतना ध्यान रखिएगा मीन्स आप बुक में केवल इन्हीं चार चैप्टर पर टिक लगा लीजिए इन्हीं चार को आपको प्रिपेयर करना है इन्हीं को रटना है इनके अलावा कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है जो बोर्ड में आएगा तो आपको अपनी एनर्जी और चैप्टर में वेस्ट नहीं करनी है अब बहुत अच्छा टाइम आपके पास है काफ़ी लंबा गैप भी आपके पास है आप सारे चैप्टर तैयार कीजिए हमारे साथ नेक्स्ट हम चलते हैं स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आपका नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स में फर्स्ट चैप्टर आपका डेवलपमेंट है ये ध्यान रखिएगा फर्स्ट चैप्टर डेवलपमेंट है ये बोर्ड में आएगा हंड्रेड परसेंट सेलेक्ट सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी ये बोर्ड में आएगा मनी एंड क्रेडिट ये भी बोर्ड में आ रहा है आपका ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी ये भी आपका बोर्ड में आ रहा है तो कुल मिला अगर देखा जाए ओवरऑल स्टूडेंट्स तो केवल चार चैप्टर ही आ रहे हैं चार चैप्टर फ्रॉम द इकोनॉमिक्स साइड ठीक है ना तो अगर आप देखिए बेटा तो चार चैप्टर आपके इकोनॉमिक्स में हो गए चार ही आपके हो गए सिविक्स में बेटा दो आपके हो गए हिस्ट्री में और लगभग लगभग लग 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 तीन या चार चैप्टर आपके आ रहे हैं जोग्राफी में तो मीन्स कुल मिलाकर के देखा जाए तो बहुत बड़ा जो सिलेबस था उसको बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर दिया गया है ठीक है ना हम होप करते हैं स्टूडेंट्स कि आपको सिलेबस को लेकर के कोई भी दिक्कत नहीं होगी ना ही कोई प्रॉब्लम्स होगी क्योंकि ये हम जो आपको सीट दिखा रहे हैं बेटा ये ये सी बी एस सी की तरफ से जारी की गई है तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड वाट द सिलेबस कम इन योर बोर्ड एग्जाम ओके स्टूडेंट्स चलते हैं मिलते हैं बाद में हम लोग ओके बाय